हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। माफी चाहते हैं आपसे, आपकी क्लासेस थोड़ी डिले हो रही है। उसका रीजन है कि एक काफी बड़ा चेंजेस आ रहा है, क्योंकि एक शेड्यूल क्लासेस चलेंगी। आप सब लोगों ने तैयारी करती रही। आज का टॉपिक हमारा लीडरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर चल रहा है डायरेक्टिंग, उसका ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन का। आज एक नया एलिमेंट जिसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, जैसे चलिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। आपने लीडर के बारे में, नेता जिसे हम कहते हैं, लीडर कौन होता है? जब एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के ऊपर एक व्यक्ति होता है जो उनको गाइड करता है, जो उनकी सुनता है, जो उनको सजेशंस देता है, जो उनके लिए लड़ता है, जो एक पर्टिकुलर वे में उन लोगों को इंस्पायर करता है, जिससे सब लोग मोटिवेट होते हैं, दैट इज काइंड ऑफ ए लीडर। सो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी या एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ गोल्स। यानी कि किसी एक व्यक्ति की एक्टिविटीज को देखकर सीखना, वो जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस ने कहा है, लीडरशिप, यस, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ या परसुएट अदर टू सीक डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंथुसियास्टिकली। यानी कि जब दूसरों को हम उनके उत्साह से कुछ सिखाएं, अपने उत्साह से करके किसी को कुछ दिखाएं, इट इज ए ह्यूमन फैक्टर। ये एक ह्यूमन फैक्टर है। इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो मोटिवेट होते हैं किसी न किसी गोल को प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई आदमी कुछ कर रहा है तो आप उसे देख रहे हो और आपको उसे देख के इंस्पायर आप हो रहे हो, इंस्पिरेशन मिल रही है कि नहीं यार ये कुछ करके दिखाएगा। जैसे हमारे मोदी जी हैं, अब मोदी जी जब कुछ अच्छा करते हैं तो वैसे तो अच्छा ही करते हैं, तो हम लोग इंस्पायर होते हैं कि यार देखो कितने अच्छे हमारे प्रधानमंत्री है ना, और हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, नए नए डिसीजन ले रहे हैं, ये सब। सो दैट इज काइंड ऑफ ए लीडरशिप। सो जब कंपनी की मैं बात करता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो सीनियर्स होते हैं, जो आपके हेड होते हैं, जैसे ब्रांच हेड हो गया, डिपार्टमेंट हेड हो गया, कंपनी का सीईओ हो गया, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ये सब लोग एज ए लीडर ही वर्क करते हैं। इनके अंडर जो काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं, देखो लीडरशिप प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स। इसमें तीन फैक्टर आते हैं, एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोवर्स, और एक होता है या वेरिएबल्स। यानी कि एक तो लीडर होगा जिसे देख के सब लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एक आपका फॉलोवर्स होंगे जो उसे देख रहे हैं, है ना, और एक वेरिएबल्स होंगे जो डिफरेंट जिन्हें प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब बात आती है कि लीडरशिप का मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है, ये दोनों क्यों हम साथ में कह सकते हैं। लीडरशिप के ऊपर बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसे नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसका, लीडरशिप इज समथिंग या इंटरप्रिटेड और सिनोनिम्स और सिमिलर टू मैनेजरशिप। यानी कि मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज अ टेक्निक ऑफ एग्जीक्यूट लीडरशिप। मैनेजमेंट लीडरशिप ही तो है एक तरह से। भाई जो कंपनी का मैनेजर होता है, उसका काम क्या होता है, सब चीजों को मैनेज करके चलना। तीन चीज मैनेज करता है वो, एक तो ह्यूमंस जो लोग काम कर रहे हैं, एक मटेरियल और एक टेक्निक। ये तीनों चीजें मैनेज करके चलता है, वो एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप ही तो है, क्योंकि हमारे मैनेजर्स को देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं, हम लोग काम को कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये सारी चीजें सोचते हैं। ठीक है, सो द मेन थिंग अ गुड लीडर इज नॉट नेसेसरी गुड टू बी मोर इफेक्टिव। यानी कि इफ ही हैज लीडरशिप क्वालिटीज, अ सक्सेसफुल मैनेजर डजंट डिपेंड ओनली ऑन फॉर्मल अथॉरिटीज। यानी कि जो सक्सेसफुल मैनेजर होता है वो केवल फॉर्मल अथॉरिटीज पर डिपेंड नहीं होता, वो इनफॉर्मल भी अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ उन्हें इंस्पायर करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। अब टाइप ऑफ लीडरशिप बहुत सारे स्टाइल होते हैं, तो मैं इसके ऊपर कहोगे तो सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। जैसे एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अभी ऑटोक्रेटिक क्या होता है, इसमें वन मैन और चिट्रा होता है। अब इसका मतलब क्या है, ही गिव्स ऑर्डर विच ही इंस्टीट शैल बी ओबेड। यानी कि जब कोई ऑर्डर देता है और सारे उसकी बात को तुरंत माने, ही मेक पर्सनल फ्रेज और क्रिटिसिज्म टू ईच मेंबर ऑन हिज ऑन इनिशिएटिव। हर एक मेंबर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखता है, ठीक है। डिटरमाइन करता है पॉलिसीज को ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम। जो अपनी पॉलिसी बनाता है आपसे बातचीत किए बिना, जैसे आपका जो लीडर है आपसे कोई सलाह नहीं की लेकिन उन्होंने कोई पॉलिसी बना दी, वो होती है ऑटोक्रेटिक। एक होता है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक इसका जस्ट अपोजिट है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो लीडर होता है वो अपने अंडर काम करने वाले सभी लोगों के साथ बातचीत करता है, उनके साथ सुलह करता है, जब कोई रूल रेगुलेशन बनती है तो उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे डिस्कशन किया जाता है, हर चीज में अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोवर्स को जो इन्वॉल्व करके चले,
वो डेमोक्रेटिक होगा, और जो खुद ही एक खुद ही डिसीजन ले, बस आपको सपोर्ट करे बाकी कुछ नहीं, वो ऑटोक्रेटिक होगा। एक होता है या लेजिस फेरी। अब लेजिस फेरी में क्या आता है, इसमें दिस लीडर डज नॉट लीड, इसमें लीडर लीड नहीं करता जी, वो क्या करता है, वो साथ में रहता है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट भी नहीं करता, वो आपको केवल गाइड करेगा। ही मे बी ए मैन हु हैज बीन गिवन लीडरशिप ऑन ग्राउंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज बट मे नॉट या इनकैपेबल ऑफ एज्यूमिंग एनी कंट्रोल अदर, यानी कि जिसको तुम्हारी फील्ड की नॉलेज तो है, आपको गाइड तो कर रहा है, बट ही कांट ज्वाइन एनीथिंग एज, जो आपके लिए कोई कुछ भी ज्वाइन नहीं करता। आगे समझ में, तो तीन तरह की लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी फेरी। ऑटोक्रेटिक में अपनी मर्जी से चलते हैं, बस सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ऑर्डर देते हैं अपने एम्प्लॉय को और उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो उस काम को माने, इसे ये कह सकते हो वन मैन आर्मी कह सकते हो इसे। डेमोक्रेटिक में सबके साथ मिलकर चलते हैं, सबको इन्वॉल्व करते हैं पॉलिसी बनाने में, और लेजी फेरी में क्या है, वो खुद ही इन्वॉल्व नहीं होता, लीडर बस केवल गाइड करता है, लीड नहीं करता सबको, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। अब मैं कुछ फंक्शन बताता हूँ आपको, लीडरशिप के फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखो, नंबर एक, टू सेट गोल और सबॉर्डिनेट, जो हमारे अंडर काम करने वाले लोग हैं उन सब के लिए गोल सेट करना, उनके लिए टारगेट बनाना, देखो भाई तुम्हें ये काम करने हैं, तो ये उनके लिए गोल तय हो गया। कोऑर्डिनेट करना सारे जितने भी गोल्स होते हैं, जैसे एक कंपनी में इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, और एक ऑर्गेनाइजेशन गोल भी होता है, उनको कोऑर्डिनेशन करके चलना साथ में। जैसे एक कंपनी में 100 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, उन 100 एम्प्लॉई के अपने अपने गोल होंगे, किसी का सपना होगा गाड़ी लेना, किसी का होगा प्रमोशन करना, किसी का होगा कि अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाना, किसी का होता है कि मेरी सैलरी इतनी पहुंच जाए। सो ये दिस इज सच काइंड ऑफ इंडिविजुअल गोल, और ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है पूरी कंपनी का एक गोल, जिसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल कहते हैं। तो एक लीडर का काम होता है इन दोनों तरह के गोल को ऐसे बनाकर चलना कि ये एक दूसरे को क्या कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है। जो एक लीडर होता है मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉय को ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। अ लीडर मेंटेन ऑर्डर और डिसिप्लिन, जो अपने एम्प्लॉय के साथ जो है डिसिप्लिन मेंटेन करके चलता है ताकि वो ऑर्डर को माने। और एक लीडर जो होता है रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को अपनी कंपनी में, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी में वर्कर का एसोसिएशन बनी होती है, उनके यूनियन लीडर होते हैं, तो दैट इज सच ए काइंड ऑफ अ लीडरशिप, ठीक है। ये सब आगे बात। और जहां तक बच्चों में इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आप ये कह सकते हो लीडरशिप इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, उसके एस्टेब्लिश गोल को अचीव करने के लिए वी शुड फॉलो द लीडरशिप रूल्स। लीडरशिप इज द सेंस ऑफ डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा ना भी आपको, डायरेक्शन इज प्रोवाइड अ मैनेजर हु हैज लीडरशिप एबिलिटी, ऐसा मैनेजर जिसके अंदर लीडरशिप की एबिलिटी है, वो लीडर इंस्टीट्यूट करता है, चेंजेस करता है, कन्विंस करता है पीपल को कि वो जो एंटायर गोल है कंपनी का उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आपके लिए आज के लिए इतना ही, कल चलेंगे एक और नए टॉपिक पे, और जो होगा कम्युनिकेशन, तो बनिएगा मेरे साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।